आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और एक नया वेरिएंट ओमिक्रोन, उसकी भी तादाद बढ़ती जा रही है देश में। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य संगठन और चुनाव आयोग के बीच एक मीटिंग चल रही है, जिसमें ये फैसला होगा कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव और जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं ये कब होंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि उनके विचार में क्या है, कब होने चाहिए चुनाव। मेरा नाम शकील। शकील सर, हमें ये बताएं कि जो आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव है और एक तरफ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन और कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए टालना चाहिए या वही समय पे करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल टाल देना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे पहली चीज़ है, जान रहेगी तो जान रहेगी। चुनाव आज भी हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, एक सरकार जाएगी दूसरी आ जाएगी, जनता का थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है इसके ऊपर। जनता को वही टैक्स देना है, वही महंगाई, वही समस्या समाधान थोड़ी हो गए। अभी योगी जी जाएंगे, चाहे अखिलेश जी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, समस्या तो वही रहेगी भैया, बढ़ती रहेगी, समस्या का समाधान नहीं है कुछ। इसको टाल देना चाहिए, अभी जो है होने का हालात है नहीं कि चुनाव कराया जाए। कोविड इतना बढ़ रहा है, स्कूल बंद करने के भी आदेश होने वाले हैं जो देख रहे हैं, उसको देखते हुए चुनाव ज़रूरी नहीं है अभी। अच्छा, हफ्ते दिन पहले हाईकोर्ट ने एक सुझाव दिया चुनाव आयोग को कि आप प्रचार का जो माध्यम है उसको बदलें और डिजिटल रैली करें और समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाएं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक, अच्छी बात है, डिजिटल ही होना चाहिए। पब्लिक की भीड़ जमा करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ मजाक करना ठीक बात नहीं है। अभी हमने बहुत बुरा समय देखा है अभी पिछली बार कोरोना में, अब वो समय दोबारा लाने की वो कोशिश नहीं करना चाहिए। तो क्या राज्य की हालत को देखते हुए चुनाव का आयोजन करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, राज्य के हालात को देखते करना चाहिए, मगर जो हालात है, जो बढ़ रहा है कोरोना, उसको देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा है, तो उसको देखते हुए चुनाव अभी टाल देना चाहिए। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया था और विपक्ष के तमाम नेताओं ने कि बूस्टर डोज कब लगेगा, और प्रधानमंत्री ने अभी अपने 2 दिन पहले संबोधन में कहा कि बूस्टर डोज पहले फ्रंट लाइन वर्करों को लगाया जाएगा। तो क्या इतनी जल्दी, महज 2-3 महीनों में पूरे देश को बूस्टर डोज लगाया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है सर। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखें नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 महीने, इतना बड़ा देश है, कहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इतना उत्तर प्रदेश की केवल बात करें, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। इधर लबड़ धबड़ में जल्दी जल्दी में लगा दो बूस्टर, लगा दो ये, लगा दो, अभी समय नहीं भाई। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनाव आगे बढ़ा दें और उसके बाद धीरे धीरे जो है, जो समस्या है, बूस्टर लगाना, ये लगाना, वो लगा लें। मतलब आपके मुताबिक जब इनकी समय पूरा हो जाए तत्कालीन सरकार को, तो यहाँ राज्यपाल शासन लगा देना चाहिए? 6 महीने लगा देना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना आगे पीछे में क्या फर्क पड़ जाएगा भाई साहब। तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, आराम से भी चुनाव कराएं राज्यपाल, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन, जो सॉरी राज्यपाल का शासन लगा देना चाहिए, बिल्कुल। मेरा नाम अनुप्रिया है। अच्छा, हमें ये बताएं कि विधानसभा चुनाव सही समय पे होने चाहिए या उसे टालना चाहिए, क्योंकि कोरोना भी धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ रहे हैं और एक नया वेरिएंट ओमिक्रोन आ गया है। इसके लिए स्वास्थ्य संगठन और चुनाव आयोग की मीटिंग भी चल रही है और जनवरी के पहले सप्ताह में इस पे फैसला भी आ सकता है। तो आपका क्या विचार है कि चुनाव कब होने चाहिए? चुनाव होने चाहिए वैसे सही टाइम पे, पर जो कोविड का ये रूल्स है इनको भी फॉलो करते हुए ये होना चाहिए। जी, मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। अच्छा, ये बताइए, आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को कोरोना के बढ़ते और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रोन जो बढ़ते जा रहा है, तो क्या इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव को टालना चाहिए या सही समय पे ही होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से प्रॉपर वे में पूरी प्रोटेक्शन के साथ, मास्क के साथ चुनाव निर्धारित समय पे कराना चाहिए। इससे एक जो इस सरकार का जो कार्य, जो 5 साल का कार्यकाल है,
वो निश्चित समय पर उसका जो उन्होंने किया है उसका पता चलेगा, और जो जनता जिसे चुनेगी, नया सरकार जो चुनेगी, तो वो निष्पक्षता पूर्वक उसका रिजल्ट मिलेगा हमें, और हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हों निश्चित समय से हों। अच्छा, चुनावी रैलियों पे क्या कहेंगे, कैंपेनिंग पे? चुनावी रैलियों पे तो यही कहेंगे कि जो भी चीज़ें रैली हों, लेकिन वो पूरी प्रोटेक्शन के साथ हो, है ना, और उसमें डिजिटाइजेशन जो भी आधुनिकीकरण का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। डिजिटल रैली, हाँ, हमारा यही विचार है कि रैलियों पे प्रतिबंध किया जाए और जो है सही समय पे चुनाव किया जाए। सही समय पे चुनाव जी। आप अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार शानू। देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि जो चुनाव आयोग है उसको अगर चुनाव करवाना है तो उसको पूर्णतः सख्त होना पड़ेगा। जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है आचार संहिता के या अदर, तो कोविड वारियंट जो है एक बहुत ही खतरनाक है, अभी इंडिया में पूर्णतः उस तरह से लागू नहीं, मतलब फैल नहीं पाया है। जैसे बंगाल चुनाव में उसके नतीजे सामने आए थे, जो कोविड की सेकेंड फेज लहर थी उसमें पूरे देश को उसी की चपेट में, और ऐसा नहीं, बहुत बड़े बड़े नेता भी उसके गिरफ्त में आए थे और कई कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। तो उसके लिए जो रैलियों को पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, रैलियों में अगर है तो उसमें कम से कम लोगों को जो है आने के लिए बोला जाए, उसके लिए गाइडलाइन जारी की जाए, कुर्सियों को जो है थोड़ा सा डिस्टेंस में लगाया जाए, लोगों को बैठा जाए, और जहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तभी आप, बाकी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे गवर्नमेंट अपनी स्कीमों का प्रचार जो है टीवी पे या सोशल मीडिया पे या इंटरनेट के माध्यम से होल्डिंग लगवा करती है, तो आप अपना जो है कार्य भी उसी प्रकार करिए, रैलियाँ करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इतने बड़े जनमानस को खतरे में डालना मेरे हिसाब से तो किसी भी गवर्नमेंट का जो है फर्ज नहीं बनता है। बाकी चुनाव आयोग को जो अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है कि उसको चुनाव टालना है या करवाना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से देखिए, अब चुनाव जो होते हैं वो एक शिक्षित जो है लोग आगे आए हैं, वो काफ़ी जो उसका ट्रेंड बढ़ा है, तो लोगों को खुद समझना चाहिए कि उनको चुनावी रैलियों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और बाकी तो चुनाव आयोग जो है वो पूरा देख लेगा जैसे जाओ करना है। मेरे हिसाब से तो ये रहा आपका। अच्छा, ये बताएं, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि जो चुनावी रैलियाँ हैं उसको डिजिटल तरीके से किया जाए, और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा इलेक्शन कमीशन को एक सुझाव दिया गया है कि आप चुनाव को जो प्रचार है उसको समाचार और टीवी के माध्यम से करें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये अच्छी राय है, कैसे कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव प्रचार हो, और जितने डिजिटल प्रचार होंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्राउड कलेक्ट नहीं होगी जिससे खतरा कम रहेगा कोविड फैलने का, यही मेरा राय है। और आपके मुताबिक चुनाव कब होने चाहिए, या टालना चाहिए या सही समय पे ही होना चाहिए? अभी तो ऐसे ज़्यादा नहीं कैसे जा रहे हैं, तो चुनाव टाइम से हो सकता है, इफ़ अगर ज़्यादा आते हैं कोविड केसेज तो चुनाव को टाल देना चाहिए, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो क्या राज्य सरकारों की हालत देखकर, राज्य की हालत देखकर चुनाव करवाने चाहिए? हाँ, मेरे अनुसार अगर राज्य में केसेज ज़्यादा बढ़ते हैं तो इस हिसाब से कन्वर्ट करना चाहिए। पिछले पंचायत चुनाव में हमने देख चुका है कि उस समय चुनाव हुआ तब कोविड केसेज बहुत ग्रोथ किए थे, मे भी अगर कोविड केसेज बढ़ते हैं तो चुनाव के समय और क्राउड इकट्ठा होगी जिससे ज़्यादा बढ़ेगी केसेज। रविंद्र कटियार। अच्छा रविंद्र सर, हमें ये बताएं कि आगामी उत्तर प्रदेश जो चुनाव है ये कोरोना को देखते हुए और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रोन का जो फैलाव हो रहा है, धीरे धीरे देश में फैल रहा है और प्रदेश में, तो क्या विधानसभा चुनाव को टालना चाहिए कि निर्धारित समय पर ही होना चाहिए? निर्धारित समय पर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोविड वैक्सीन काफ़ी हो चुकी है, इसलिए नुकसान का खतरा कम है, इसलिए इलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस समय। मगर बूस्टर के लिए अभी तो प्रधानमंत्री जी ने बताया है अभी लगे नहीं हैं, तो क्या इससे लेकर, इसको, इन सभी चीज़ों को लेकर चुनाव कैसे होंगे? नहीं, चुनाव हो सकते हैं, चुनाव में क्या प्रकाशन तो जो लिए जाएंगे वो चुनाव भी होगा, चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या इससे खतरा बढ़ेगा? नहीं, कोई खतरा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपके मुताबिक चुनावी रैलियों होनी चाहिए और जो भी कैंपेनिंग हो रही है वो सब होना चाहिए? सब बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या इससे कोरोना फैलेगा नहीं? नहीं, समय बिल्कुल फैलेगा नहीं, और सब कोवैक्सीन है यहाँ पे, हो चुका है बहुत, 1 करोड़ लोगों को लग चुकी है। तो सर, वैक्सीन जिसको लग चुका है क्या उसको ओमिक्रोन जो नया वेरिएंट है और बूस्टर डोज नहीं लगा है तो कैसे लोग बचेंगे? नहीं तो अगर लग चुका है तो बूस्टर नहीं लगा है, लेकिन ऑलरेडी जब लग चुका है तो उतना नुकसान नहीं। बूस्टर डोज के बाद भी गारंटी थोड़ा ना है कि नहीं होगा भाई, होने तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और पहले भी होता है, ऐसा नहीं है कि बूस्टर को एकदम होगा ही नहीं, तब भी होगा,
नुकसान नहीं करेगा, आदमी को नुकसान जितना करता है मौत नहीं होगी, नुकसान कम होगा, दवा से ठीक होगा। मेरा नाम वंश है और मैं यही ये बताइए हमें कि आगामी उत्तर प्रदेश जो चुनाव है, क्या कोरोना का जो मामला बढ़ता जा रहा है और नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आया है, इसको देखते हुए क्या चुनाव को टालना चाहिए या फिर वही समय पे होना चाहिए? मेरे ख्याल से टालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो चीज़ बाकी भी चीज़ें हैं जो अपने आप टाइम से चल ही रही हैं, लेकिन हमें जहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें रैलीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, और अगर हो सकता है तो हम लोग रैलीज़ की जगह जैसे सोशल डिस्टेंसिंग उसमें कर सकते हैं, या फिर जो है अगर जो है डिजिटल रैलीज़ जैसे पहले हो रही थी अगर उस चीज़ पे हम लोग फोकस करें तो मेरे हिसाब से वो एक ज़्यादा अच्छा बेटर आइडिया होगा इस समय। अच्छा, तो और ये हमें बताएं कि अभी एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य जो विभाग है उसको बहुत ही निचले पायदान पर रखेगा, इस पर क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है, करीबन 22 करोड़ की आबादी है, इसके अर्थात में हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो है इतने ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण जो है हम लोग का जो है जो पेनिट्रेशन है हेल्थ केयर सेंटर का वो इतना अच्छा नहीं है, इसी की वजह से हम लोग जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नीचे हैं। अगर इसको हमें इम्प्रूव करना है तो मेरे ख्याल से हमें हेल्थ केयर सेक्टर को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, इन द फॉर्म ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं UHC जो होते हैं, अर्बन हेल्थ केयर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू से। अच्छा, हमें ये बताएं कि अगर विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है तो क्या इससे प्रकोप कोरोना का और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है बढ़ेगा, तो क्या इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार लेंगी? जिम्मेदारी तो बंगाल के इलेक्शन में भी नहीं ली गई थी और प्रॉपर तरीके से हुआ था। अगर चुनाव उसी समय पे होता है तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओमिक्रॉन एंटर कर चुका है, गवर्नमेंट नोटिस कर रही है केसेस को, और जहाँ तक ओमिक्रॉन का लगता है मुझे मे बी इंडिया में पहले से ही क्या कहते हैं 15 से 18 साल के वर्ष के जो जो एज के ग्रुप है तो उसमें जो है जब पहले से ही वैक्सीनेशन अब स्टार्ट हो ही रही है फ्रॉम January 3rd आई गेस, तो इसके स्वरूप जो है मे बी हमें जो है अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ओमिक्रॉन की जो स्टडीज़ भी यही कहती हैं कि अगर ओमिक्रॉन आएगा भी तो बहुत ही शार्प राइज ऑफ केस आएंगे और उसके बाद वो कम हो जाएगा, जहाँ तक ये स्टडीज़ अभी यही कह रही है। अच्छा, वही कुछ विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि ये तीन गुना बढ़ेगा, तो इस पर क्या कहेंगे? तीन गुना जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रीज़ के जो अभी डेटा कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि जो है एकदम से स्पाइक आ रहा है। अगर हम लोग क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें या फिर हम लोग जो है US का भी देख लें तो केसेस की जो काउंट है वो कई ज़्यादा आ रही है, बट हॉस्पिटलाइजेशन का जो लेवल है वो कई 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 गुना कम है, और इसका रीज़न यही है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है और इसकी वजह से, क्योंकि इंडिया भी बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से हेल्थ के फॉर्म में ये है कि हम लोग बहुत प्रोन हैं इन डिजीज की वजह से, तो मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं आएगा। विपक्ष के कई नेता जो बूस्टर डोज है उस पर बात कर रहे हैं कि अब तक बूस्टर डोज नहीं लगाया गया, इस पर क्या कहेंगे? बूस्टर डोज का भी मैं यही बोलूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने पहले ही बूस्टर डोज का उन्होंने वो कह दिया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो वो है फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स उनको जो है हम लोग बूस्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अब ये ठीक है। अगर हम लोग जो है यही बूस्टर वाला जो डोज है हेल्थ जिस तरह फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात हो रही है, और जैसे ही हम लोग इलेक्शन के जो बूथ कैंप पे जो वर्कर्स हैं अगर उनको भी पहले दे देंगे तो इससे भी खासा फर्क पड़ना चाहिए। जो आगामी चुनाव होने हैं तो कोरोना को लेकर टालना चाहिए या वही समय पे करना चाहिए? देखिए, इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को देखना चाहिए कि जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है, इसको देखते हुए सरकार को इस पे विश्लेषण करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, और चुनाव आयोग को भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जनहानि ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जान है तो जहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का भी ऑर्डर भी आया था जिसमें माननीय न्यायाधीश यादव साहब ने एक जजमेंट दिया जिसमें मुख्यमंत्री को उन्होंने अपनी ओपिनियन दी थी, अनुरोध किया था कि नया वेरिएंट आ रहा है इसको भारत सरकार को देखना चाहिए, चुनाव आयोग को देखना चाहिए, और देखने के बाद अपनी ओपिनियन देनी चाहिए
कि ये पहले हित है, पहले जनहित है, उसके बाद चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये प्रायोरिटी है कि पहले इंसान की जान अहम है। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप डिजिटल तरीके से प्रचार करिए और समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से प्रचार करिए, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सशक्त माध्यम है प्रचार के, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा जो है आईटी ने डेवलप किया है और बहुत सारे लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रचार माध्यम अगर ऐसा हो जाए तो लोगों का थोड़ा सा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और बहुत सारी चीज़ें बचेंगी, बहुत पैसा भी बचेगा, क्योंकि ये इतना सशक्त माध्यम है, हर व्यक्ति तक, सिंगल सिंगल व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। अच्छा, चुनाव टालने चाहिए या वही समय पे होने चाहिए? देखिए, ये तो बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अगर आप क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या है? नहीं, हमारा विचार तो ये है कि अगर जीवन इतना अमूल्य है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसमें डॉक्टरों की राय लेनी चाहिए कि अगर ऐसा वेरियंट आ रहा है, ओमिक्रॉन या स्वाइन फ्लू या जो भी बीमारियाँ आ रही हैं सबके लिए, अगर ऐसा है तो ज़रूर टाल देना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्शन तो फिर हो सकता है लेकिन जीवन दोबारा नहीं आएगा। अभी पिछली जो घटनाएं हुई हैं, जो लोग चले गए वो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, कितना बड़ा दुख है, बहुत सारा परिवार बेसहारा हो गया है। इस बात को देखते हुए अगर ऐसी स्थितियां हैं तो उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और विचार करके इसको टाल देना चाहिए, चुनाव को टालना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कोरोना बाहर विदेशों में बढ़ रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी कोरोना की जो तादाद है, मैं न्यूज़ चैनल पर देखता हूँ कि हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन हो गया और जो है आपका कोरोना वायरस हो गया, ये बढ़ता जा रहा है, तो चुनाव को टाल देना चाहिए। अच्छा, छः महीने के लिए। अच्छा, हमें ये बताएं कि अगर जो चुनाव, जो एक सुझाव दिया गया स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चुनाव आयोग को कि आप डिजिटल तरीके से रैली करवाइए और समाचार और टीवी के माध्यम से प्रचार करिए, इस पर क्या कहेंगे? डिजिटल तरीके से अगर रैली करेंगे तो इससे जो है पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। पब्लिक को ये फ़ायदा होगा कि हम लोग जो है कोरोना से बचेंगे, क्योंकि रैली में, भीड़ तंत्र में ना मास्क लगाया जा रहा है, ना सैनिटाइज़र का यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ नेता जो है रैली कर रहे हैं, चाहे वो हमारे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई कोरोना का जो है नियम नहीं चल रहा। स्वास्थ्य संगठन के तहत जो नियम बनाए गए हैं उसका कोई, उस नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि 6 महीने के लिए कम से कम सरकार की ये नीति होनी चाहिए, जो रैलियां कर रहे हैं वो डिजिटल तरीके से करें। तो डिजिटल तरीके से क्या अपनी बात को जनता के बीच पहुंचा पाएंगे, खासकर छोटी पार्टियां? सर, क्यों नहीं पहुंचा पाएंगे? आजकल जो है देश हमारा जागरूक है, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चला रहे हैं, तो क्यों नहीं डिजिटल तरीके से हम पहुंचा सकते हैं? जिस तरह आप अपनी पार्टी को संगठन के लिए जो है फेसबुक पे आप अपना प्रचार कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, तो आप रैली भी जो है डिजिटल तरीके से करिए। हमारा यही सुझाव है कि जो रैलियां होनी चाहिए, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों या प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री सीएम योगी जी हों, डिजिटल तरीके से रैली अपनी करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार से कि जो रैलियाँ हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या जेपी नड्डा या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और आम आदमी के पार्टी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के, वो भी जो है जितनी भी रैलियां हों डिजिटल तरीके से हों, जिससे पब्लिक की कोरोना से निजात मिलेगी, कोरोना ज़्यादा फैलेगा नहीं, क्योंकि भीड़ तंत्र में जो है आप एक एक आदमी को नहीं चेक कर सकते कि मास्क पहने हैं कि नहीं पहने हैं, दूरी 6 फीट की दूरी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जो प्रचार और चुनाव रैली हो वो डिजिटल तरीके से हो। हमारे विदेश में जो है, अमेरिका वगैरह में जब डिजिटल तरीके से चुनाव हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है? अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और प्रेजेंट टाइम के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, अगर सब सहमति से अगर करना चाहे तो कुछ क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है डिजिटल तरीके से ये करें, हमारा यही विचार है। यहाँ मौजूद तमाम लोगों से हमने उनके विचार जाना कि विधानसभा चुनाव को कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए टालना चाहिए या नहीं, तो सबके विचार अनेक हैं। अब देखना ये होगा कि जनवरी के पहले सप्ताह में क्या निर्णय आता है। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।